हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ चैप्टर नेम टू बी एस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इससे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में हमने बेसिकली स्टडी किया दैट हाउ करंट फ्लोस, ओके, और हमने ये भी स्टडी किया व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ करंट, ओके, और जो मेन फिनोमेना हमने वहां पे स्टडी किया अबाउट द इफेक्ट ऑफ करंट वो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट जब भी हमारा करंट किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में फ्लो करता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अलावा भी कुछ और इफेक्ट्स होते हैं। सो उन्हीं में से एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल। सो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये बेसिकली अराइज होता है किसी भी कंडक्टर या सर्किट में फ्लोइंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मैं सिंपल वे में बोलूं ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। सो बेसिकली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इस टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, उसका ओरिएंटेशन कहां से हुआ, हम लोगों को कैसे पता चला कि कुछ मैग्नेटिज्म नाम की चीज और यू कैन से मैग्नेटिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं ऐसा कुछ हमारे नेचर में एग्जिस्ट भी करता है। सो बेसिकली इसका ओरिएंटेशन हुआ दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सर्टन मटेरियल वर ऑब्जर्व बाय एंशिएंट ग्रीक्स। तो इस टर्म का ओरिएंटेशन और आप कह सकते हैं इस टर्म का बेसिकली बर्थ ग्रीक में हुआ था, ऑफ दैट टू इन अर्ली 800 BC। So, वहां पे क्या हुआ था, ड्यूरिंग द माइनिंग ऑफ ओर्स, ओके, ड्यू टू द माइनिंग ऑफ सर्टन काइंड ऑफ मिनरल्स, वहां के लोगों ने ये ऑब्जर्व किया दैट देयर आर सर्टन स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन्स। जब वो माइनिंग कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक सर्टन स्पेशल काइंड ऑफ रॉक्स हैं जो कि मेटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो अ पीस ऑफ सर्टन type of rock were attracted to the nail of the shoes of shepherd. So, उस time पे जो लोग थे वो basically जो shoes पहनते थे उनके end में और आप कह सकते हैं उसके back side पे इस तरीके का nail होता था, like this. There are iron nails in it. वो नेल इसलिए अपने शूज से अटैच करते थे क्योंकि वो कुछ रफ एंड टफ वर्क करते थे। माइनिंग इज नॉट अ वेरी इजी वर्क, ओके, इट्स अ वेरी रफ एंड टफ वर्क, तो उनको ऐसे शूज की जरूरत थी जो कि इन रफ एंड टफ कंडीशन में भी अच्छे से काम कर सके। सो दे हैव अटैच दिस मेटल नेल और आयरन नेल विद देयर शूज। सो ड्यूरिंग द माइनिंग प्रोसेस क्या हुआ, जब उन्होंने माइनिंग करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि when they are digging in order to get the minerals out, so उस process में ये जो stone थे special type of stone, और वो stones थे basically lodestones that contains मैग्नीशियम। सो इन स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन जिनको हम बोलते हैं लोड स्टोन, ये बेसिकली अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए ड्यू इन दिस नेल शू नेल ऑफ द शेपर्ड, ओके। सो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टोन है ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आयरन नेल से, सो देर इज सम काइंड ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। So, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट, और जो कि आगे चलकर इन 19th सेंचुरी देयर इज अ साइंटिस्ट जिनका नेम था हैंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड।
इन्होंने जाके इस इफेक्ट को डीपली स्टडी किया. दिस साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर हु स्टडीड दिस मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इन डिटेल सो इन साइंटिस्ट ने जिनका नेम था हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ट इन्होंने जाके 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिटेल में स्टडी किया. व्हाई वी कॉल इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज इट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म. So, जो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें मिलता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सर्किट और इन एनी कंडक्टर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके एंड मैग्नेटिज्म इज कुड बी अट्रैक्टिव देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. सो मैग्नेटिज्म आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑल्सो जो कि हम इसमें अभी आगे डिस्कस करेंगे व्हाई दैट एग्जैक्टली हैपेंस. So, but this is just a brief intro ki how does this thing started ki humko magnetism ke bare mein magnetic effect ke bare mein kaise pata chala and how the electric current will contribute this to this electromagnetic effect wo ki hum is chapter mein aage abhi discuss karenge. So ab हमको ये तो पता था कि मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ट और आप इसको कह सकते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था. एक्चुअली हैंस इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एल्स बट एक्सीडेंटली ही फाइंड आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. वो कैसे हुआ? सो फॉर दैट ही परफॉर्म वन एक्टिविटी और आप कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया जिसमें ही टेक्स अ स्ट्रेट वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई लाइक दिस. उन्होंने एक स्ट्रेट वायर ली और उसको प्लेस कर दिया बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई इन लाइक दिस इन दिस डायग्राम. प्लेस अ स्मॉल कंपस नियर द कॉपर वायर. So, इस वायर के अलोंग ही प्लेस्ड अ कंपस. दिस इज योर कंपस एंड नोट द पोजिशन ऑफ द कंपस नीडल एंड उन्होंने नोट डाउन कर दी कि पोजिशन क्या है कंपस नीडल की. सो देन ही पास द करंट थ्रू द सर्किट. सो देन ही क्लोज दिस की प्लग की एंड द करंट इज स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट एज इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. So, जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना थ्रू दिस सर्किट एंड व्हेन द करंट रीचेस टिल दिस पॉइंट एक्स एंड फ्लोस थ्रू द वायर टिल वाई. सो क्या हुआ? ही ऑब्जर्व दैट द इनिशियल पोजिशन ऑफ द कंपस नीडल गेट्स चेंज लाइक दिस. और आप कह सकते हैं कि कंपस नीडल जो थी वो बेसिकली हो गई डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. सो वॉट ही ऑब्जर्व That कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा था देन देयर इज नो एज सच थिंग कॉल्ड मैग्नेटिज्म. बट जैसे इस सर्किट को हमने कंप्लीट किया बाय प्लगिंग द की इन साइड इट सो एज करंट स्टार्ट फ्लोइंग एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट देन कंपस नीडल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. सो इसका मतलब यह है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस करंट इन द वायर एक्स वाई इट इंट्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक इफेक्ट दिस कंपस नीडल चेंजेस. जो हमारा कंपस होता है वो कैसे वर्क करता है? जितने भी हमारे पायरेट्स होते हैं या जितने भी हमारे सेलर्स होते हैं वो बेसिकली सी या ओशन में जब भी जाते हैं तो उनको तो डायरेक्शन का अंदाजा नहीं होता. सो बेसिकली दे यूज दिस कंपस और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द डायरेक्शन. ये जो कंपस होता है ये आपका बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म.
ये तभी डिफ्लेक्ट होता है व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स. सो व्हेन द करंट फ्लोस इन दिस सर्किट इट विल गेट इट गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड जैसे ही डिफ्लेक्ट हुआ ही नोटिस्ड इट एंड गेट टू नो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस करंट दिस नीडल गेट डिफ्लेक्टेड दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म प्रेजेंस इन इट एंड ही नेम्ड इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म as electromagnetism. Why electromagnetism? Because ye kaise hui? Due to the presence of electricity. So he named the effect as electromagnetism. Electro means electricity and magnetism is the magnetic effect. So what he observed? The compass needle gets deflected from its original position once the current flows through the circuit. So this is the all about the experiment. और यहीं से हमें पता चला of the effect known to be as electromagnetism. Okay. So points of interest in this chapter. इस chapter में we will going to discuss about various things. Okay. So जो भी हम discuss करेंगे या learn करेंगे इस chapter में that are listed over here. So we will see about what is a magnetic field, कि हमारी magnetic field basically होती क्या है. We will going to learn about the electromagnetic effect, कि electricity की presence की वजह से जो effect हमें मिलता है, जो magnetic effect मिलता है, we will going to study about that effect of magnetism. Due to the presence of electricity we are going to discuss about electromagnets. जब electricity हमारे circuit या किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास करती है इट विल बिकेम अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके सो दैट विल गोइंग टू डिस्कस पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मैग्नेट्स और थ्रू कंडक्टर्स. थ्रू वायर्स और यू कैन से कंडक्टर्स. We are going to discuss about electric motor, that how does electric motor basically function due to this effect of electromagnetism. Okay, we are going to discuss about electric generator, that how an electric generator work. Basically electric generator is consist of electric motor only, as we will going to discuss about electric motor, that how electric motor work. वैसे ही हम वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑल्सो. ओके सो दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके ऑलमोस्ट यू कैन से दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. लास्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, दैट वॉट इज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेन वी मूव द मैग्नेट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ करंट पास अ करंट passing conductor, or you can say a device in which the current is flowing. Okay, so these are the highlights. Hum is chapter mein basically we will going to discuss about these six things. Okay, so these are the things that we will going to learn. Okay,
सो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, वी हैव टू नो सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज. ओके, सो हमको कुछ चीजों के को जानना जरूरी है यहाँ पे. ओके, सो हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स. ओके, सो जो पहली चीज है दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट. एक परमानेंट मैग्नेट क्या होता है बेसिकली? अ परमानेंट मैग्नेट इज अ सॉलिड ऑफ एनी शेप और साइज. एक ऐसा सॉलिड जिसका कैसा भी शेप हो या कैसा भी साइज हो, विच कैन अट्रैक्ट पीस ऑफ मटीरियल्स, जो कि पीस ऑफ मटीरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता हो, लाइक योर आयरन और कोबाल्ट, इज कॉल्ड मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट. ऐसा मटीरियल जिसकी एक शेप हो और एक साइज हो और जो कि मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सके, लाइक आयरन एंड कोबाल्ट, ऐसे मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट या फिर मैग्नेट बोलते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं बार मैग्नेट की. व्हाट इज अ बार मैग्नेट? सो इस चैप्टर में हम बहुत बार इस टर्म को यूज करेंगे, अ बार मैग्नेट. सो हमें जानना जरूरी है दैट व्हाट इज अ बार मैग्नेट. ओके, सो अ मैग्नेट विच इज इन द शेप ऑफ रॉड और अ बार इज कॉल्ड बार मैग्नेट. एक ऐसा मेटल, एक ऐसा मैग्नेट जिसका जो कि एक शेप हो इन द शेप ऑफ रॉड लाइक दिस और बार, जो कि इस शेप का हो और उसमें इसके साथ क्या हो, दैट ऑल्सो हैव द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मटीरियल्स लाइक आयरन एंड कोबाल्ट. ऐसे हम मैग्नेट को बार मैग्नेट बोलते हैं, लाइक दिस. सो दिस इज योर बार मैग्नेट. ओके, दिस इज योर बार मैग्नेट. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक पोल्स. सो द प्लेस वेयर द अट्रैक्शन पावर of a bar magnet is maximum are called poles, or you can say magnetic poles. एक ऐसा point और एक ऐसा region जिसमें force of attraction maximum हो, that we called a pole. So let's suppose you have a bar magnet. आपके पास एक bar magnet है like this. So, उसके पोल्स होगा लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो दिस इज अ पोल, नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल. ओके, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल. एंड दिस इज योर, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी. This is the neutral body means there is not a force of attraction or not a force of repulsion over here. So, a magnetic pole is the place where the attraction power of a bar magnet is maximum. Ya to is pole pe power of attraction maximum hoga, ya to is pole pe hoga. Apart from north or south, humare paas aur koi pole nahi hota. So, kisi bhi end pe ऑफ अ बार मैग्नेट जहां पर हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो या जहां पर आपका मटीरियल मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता हो, सो दैट वी कॉल्ड अ पोल. सो पोल्स की दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इफ यू नो. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द पोल इज अ स्मॉल रीजन, not a point at a region. This is the first property. Okay, so ye property ye bolti hai that pole is a small region, not a point at a region. So jo bhi hamara pole hai,
चाहे वो नॉर्थ पोल है लाइक दिस और या फिर वो साउथ पोल है लाइक दिस, वो एक रीजन है. लेट सपोज नॉर्थ का इतना रीजन है लाइक दिस, दिस इज अ रीजन ऑफ नॉर्थ पोल. सिमिलरली दिस इज अ रीजन ऑफ साउथ पोल, कि इतने रीजन में हमारा साउथ पोल होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन ऑन दिस साइड एंड फ्रॉम देयर ऑन दिस साइड, दिस रीजन इज अ न्यूट्रल बॉडी. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ना तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स होगा ना आपका रिपल्शन फोर्स होगा. सो जो कि आपका रीजन है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो एक स्पेसिफाइड रीजन है ना कि एक पॉइंट. मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि इस बार मैग्नेट के इस पॉइंट पर मेरा नॉर्थ पोल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल सकता इस बार मैग्नेट के इस पॉइंट पर मेरा साउथ पोल है. इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ कंप्लीट रीजन. सो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक पोल. ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द बॉडी ऑफ द बार ऑफ द मैग्नेट अपार्ट फ्रॉम द पोल इज कंप्लीटली न्यूट्रल. एक मैग्नेट की बॉडी अपार्ट फ्रॉम द पोल इज कंप्लीटली न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब है हमारा देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन दैट रीजन. अगर मैं यहां से नॉर्थ पोल हटा दूं और साउथ पोल हटा दूं तो इस मैग्नेट का पोल खत्म हो जाएगा? नहीं, इट विल एक्वायर अनदर पोल एज नॉर्थ और साउथ. सो यहां पर हमारा कहने का मतलब ये है कि इन रीजन के अलावा नॉर्थ एंड साउथ, इसके अलावा जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है हमारा मैग्नेट का, दैट इज अ न्यूट्रल पोर्शन. ओके, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. अगर मैं अपना बार मैग्नेट, अगर इस बार मैग्नेट के पैरेलल में कोई एक बार मैग्नेट लाता हूं इस रीजन में या इस रीजन में, सो इट वोंट बी गेट अट्रैक्टेड और वोंट बी गेट रिपेल. ओके, सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हमने जस्ट डिस्कस करे, वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर जो कहता है दैट व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट टियर द बार मैग्नेट. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स आंसर इट. द कंपास नीडल gets deflected when brought near a bar magnet due to the presence of magnetic field, the presence of magnetic field, or you can say magnetic effect that occur because of the magnetic effect that occurs because of the presence of bar magnet.
सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.